हमारे यहाँ परंपरागत जो त्यौहार बने हैं वो बहुत सोच समझकर हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं अनेक अनेकविध चीजों को त्यौहारों के साथ जोड़कर जन मानस का और जनता का व्यापक प्रशिक्षण करने की इसमें संदेश रखा है आप पोला के त्यौहार को ही ले लीजिए ये अन्न के उत्पादन से जुड़ा हुआ है अन्न माता जब गर्भ धारण करने की अनुकूल वातावरण होता है तब ये मनाया जाता है बैल का भी पूजन कर कर कृषि प्रधान देश के अंदर न केवल गाय का महत्व लोगों के सामने रखना कृषि से के लिए जितने उपयोगी चीज़ें हैं वो सभी का हम पूजन करते हैं और भाई बहन के बीच में स्नेह के रूप में भी इस त्यौहार को मनाते हैं मैं फिर से एक बार पोला के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं मित्रों आज ये भव्य भवन जो दिखाई पड़ता है वो एन की बढ़ती हुई शाख और बढ़ते हुए दबदबे का प्रतीक है एजेंसियों के लिए जो समय एन की स्थापना को हुआ है वो समय बहुत लंबा नहीं है किसी भी एजेंसी को स्थापना के बाद बनने में उभरने में अपनी साख बनाने में अपनी व्यवस्थाओं को प्रस्थापित करने में और परिणाम लाने में एक लंबा समय जाता है मगर एन आई ए ने अल्पकाल के अंदर ही अपने कार्यक्षेत्र के हर पहलू में बेंचमार्क स्थापित करकर पूरे विश्व में एक प्राइम एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक प्रकार से मान्यता प्राप्त किया है पूरे देश के लिए गौरव की बात है और जहां तक दो सिद्धि का प्रमाण है जहां तक कन्विक्सन का सवाल है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड प्रस्तावित किए हैं लगभग लगभग बीच में थोड़ा लुढ़क गया था परंतु चौरानवे प्रतिशत का दो सिद्धि का प्रमाण और वो भी ऐसे केसों के अंदर जहां साक्ष्य मिलना ही मुश्किल है जहां षड्यंत्र शायद देश की सीमाओं के बाहर से होते हैं घटना यहां होती है और उस वक्त ज्यादातर घटना में लिप्त लोग उसी स्थान पर मरने की भी संभावना होती है फिर भी इसकी तह तक जाना इसके सपोर्ट में कौन कौन लोग थे उनको ढूंढना सीमाओं के अंदर और सीमाओं के बाहर पूरा सहयोग करने वालों का जाला ढूंढ कर निकालना और उसको खत्म करना मैं मानता हूं कि एन ने अपनी स्थापना के सभी उद्देश्यों को गरिमापूर्व तरीके से पूर्ण करने में सफलता दी है